आज हम प्लान देखेंगे 12 फीट 6 इंच बाई 75 फीट का, यानी आज हम घर का नक्शा देखेंगे जिसका लेंथ हमारा 12 फीट 6 इंच का है और जो ब्रेथ है वो 75 फीट का है। तो बेसिकली ये जो हमारा प्लान है ये फ्रंट हाउस प्लान है, यानी फ्रंट में रोड आएगा, फ्रंट से आपको वेंटिलेशन मिलेगी, एयर मिलेगी और लाइट मिलेगी, और बाकी जो तीनों साइड है वो तीनों साइड क्लोज आएंगे, वो तीनों साइड घर आएंगे। तो गाइस आप वीडियो पूरा देखिए तो आपको प्रॉपरली पूरा समझ में आएगा। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ गाइस, अगर आपको भी आपका प्लान बनवाना है तो प्लीज नीचे कमेंट करिए, सबके रिक्वायरमेंट और डायमेंशन के हिसाब से मैं प्लान बना के बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा चैनल पे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एंट्रेंस है यहाँ 12 फीट के साइड से, 12 फीट 6 इंच के साइड से। तो एंटर करते यहाँ पे हमारा ये पार्किंग का एरिया आता है। पार्किंग का जो साइज है वो 11 फीट 6 इंच × 15 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 11 फीट 6 इंच का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 15 फीट का है। पार्किंग के अंदर आप एक कार आराम से पार्क कर सकते हैं और दो बाइक यहाँ पे आराम से पार्क कर सकते हैं। पार्किंग से हम आगे जाए तो ये 3 फीट का डोर दिया है। इसे हम अंदर जाएंगे हॉल के अंदर। हॉल का जो साइज है वो 11 फीट 6 इंच × 15 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 11 फीट 6 इंच का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 15 फीट का है। हॉल के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये खिड़की दिया है, तो ये खिड़की हमारा यहाँ फ्रंट में खुलेगा तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा हॉल के अंदर। बाकी फर्नीचर अरेंजमेंट कैसे रखे हैं आप वो भी देख लिए तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। और हॉल के अंदर ही हमने कॉर्नर में प्रोवाइड किया स्टेयर सीढ़ियाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। तो ये 3 फीट की हमारी स्टेयर है इसका विड्थ, और ये स्ट्रेट है हमारी, ये स्ट्रेट जाएगी, यहाँ पे हमारा छोटा पैसेज आएगा, फिर ऊपर स्ट्रेट जाएगी तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे या फिर टेरेस पर चले जाएगी। स्टेयर्स के बाजू में हमारा ये 4 फीट का पैसेज दिया है आगे घर में एंटर करने के लिए। तो पैसेज में आगे हमारा ये 2 फीट 6 इंच का दरवाजा दिया है। इसे हम अंदर जाएंगे WC प्लस बाथ एरिया के अंदर, यानी टॉयलेट प्लस बाथरूम एरिया के अंदर। इसका जो साइज है वो 4 फीट × 7 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 4 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 7 फीट का है। इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये खिड़की दिया है, तो ये खिड़की हमारा OTS के अंदर खुलेगा तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा इसके अंदर। तो इसके आगे हमने जो खिड़की प्रोवाइड किया ये OTS के अंदर। OTS जो होता है वो ओपन टू स्काई एरिया होता है, ये ऊपर तक ओपन रहेगा तो आपको यहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा सब जगह। तो इसका विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसका मैंने यहाँ जो साइज रखा है वो 4 फीट बाई 2 फीट का रखा है। इससे हम बाहर आए तो पैसेज के आगे आगे हमारा ये किचन का एरिया आता है। किचन का जो साइज है वो 8 फीट 6 इंच × 9 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 8 फीट 6 इंच का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 9 फीट का है। किचन के अंदर वेंटिलेशन के लिए 2 खिड़की दिया है। एक खिड़की हमारा यहाँ पे जो कि OTS में खुलेगा, तो आपकी यहाँ पे जो पाइपलाइन है सब यहाँ से आ जाएंगी और यहाँ से भी आपको वेंटिलेशन मिल जाएगा। और एक खिड़की हमारी यहाँ पे जो कि इस साइड में खुलेगा तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा। और किचन के अंदर आप यहाँ प्लेटफॉर्म लगा सकते हैं, यहाँ पे शेल्फ लगा सकते हैं और सामने जो हमारे स्टेयर्स है सीढ़ियों के नीचे आप स्टोरेज का एरिया बना सकते हैं। इससे हम आगे जाए तो ये पैसेज हमारा आगे जाता है 4 फीट का। आगे हमारा ये कोर्ट यार्ड आता है, बेसिकली हमारा ये ओपन एरिया है तो आपका ये इतना ये पैसेज एरिया में पैक रहेगा और इस तरफ हमारा ये ओपन रहेगा ऊपर तक, तो आपको यहाँ से वेंटिलेशन मिल जाएगा इस तरफ किचन के अंदर, यहाँ बेडरूम के अंदर, यहाँ WC के अंदर। तो आपको पूरे घर में उजास लाइट सब कुछ मिलेगी। तो इसका जो साइज है वो 8 फीट 6 इंच × 9 फीट 6 इंच का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 8 फीट 6 इंच का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा
9 फीट 6 इंच का है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं खिड़की हमारी यहाँ बेडरूम की खुलेगी और यहाँ किचन की हमारी खिड़की खुलेगी। तो आप कॉर्नर में गार्डनिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप छोटा सा ये पॉन्ड बना सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं कॉर्नर में हमारा ये 3 फीट का डोर दिया है। इससे हम अंदर जाएंगे स्टोर रूम के अंदर, तो बेसिकली किचन के पास में स्टोर रूम दिया है। तो स्टोर रूम का जो साइज है वो 3 फीट × 6 फीट 6 इंच का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 3 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 6 फीट 6 इंच का है। तो इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये खिड़की दिया है, तो आपके अगर अनाज है ये सब रखना है तो आप स्टोर रूम में प्रॉपरली रख सकते हैं। इससे हम बाहर आए तो इस तरफ आप देख सकते हैं कॉर्नर में ये 2 फीट 6 इंच का दरवाजा दिया है। इसे हम अंदर जाएंगे WC+bath area के अंदर। इसका जो साइज है वो 3 फीट × 6 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 3 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 6 फीट का है। इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये फ्रंट में खिड़की दी है, तो आपकी यह ओपन स्पेस में खुलेगी तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा। इसके बाजू में हम जाए तो ये 3 फीट का दरवाजा दिया है। इसे हम अंदर जाएंगे बेडरूम के अंदर, तो बेडरूम का जो साइज है वो 11 फीट 6 इंच × 15 फीट का है। तो बेसिकली हमारा बड़ा बेडरूम है, तो जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 11 फीट 6 इंच का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 15 फीट का है। और इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये खिड़की दिया है, तो ये खिड़की हमारा यहाँ फ्रंट में खुलेगा तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा बेडरूम के अंदर। तो बेसिकली जो मैंने फर्नीचर रखा है वो थोड़े रखे हैं, आपको और फर्नीचर रखना है तो आप वो सब भी इसके अंदर आराम से प्रॉपरली रख सकते हैं। तो गाइज हमारा प्लान कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बेसिकली ये जो मैंने प्लान बनाया, एक हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया था, तो उनके अकॉर्डिंग मैंने ये प्लान बनाया है। अगर आपको भी आपका प्लान बनवाना है तो प्लीज नीचे कमेंट करिए, तो आपके रिक्वायरमेंट और डायमेंशन के हिसाब से मैं प्लान बना के बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा चैनल पे। तो गाइस अगर आपको इसका प्रॉपर मेजरमेंट वाला, डायमेंशन वाला, 2D वाला वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई टैब में आपको पहला वीडियो मिल जाएगा, आप वो भी जाके देख लीजिए तो आपको प्रॉपरली पूरा समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।